प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत उत्तराखंड को रेल परियोजनाओं की सौगात दी। बता दें, उन्होंने 2 करोड़ की लागत से लालकुआं के घोड़ा नाला बिंदुत्वा रेलवे अंडरपास का वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया। कार्यक्रम को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संबोधित करते हुए रेलवे की परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पीएम मोदी का आभार किया। आपको बता दें कि लालकुआं में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरगामी सोच का नतीजा है कि आज रेलवे की कई योजनाओं का कायाकल्प हो रहा है। उससे देश के साथ साथ बिंदुक्ता वासियों को भी इस अंडरपास से लाभ मिलेगा, जो कि आने वाले दिनों में क्षेत्रवासियों को राहत देगा। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। माननीय हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से, उनके लगातार बिना रुके बिना थके और केवल एक चिंता, देश की चिंता, देशवासियों की चिंता। नमस्कार, कैसे सुस्वागत लगातार प्रयास है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हार्दिक अभिनंदन सभी का स्वागत का। जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। क्षेत्र वाले लोगों को एक अंडरपास सुविधा मिल रही है, जिससे कि यहाँ से लोगों का आना जाना सुगम होगा और उनका जो एक समय है वो बर्बाद होने से बचेगा। इसकी लागत करीब करीब लगभग 2 करोड़ के आसपास आएगी।